हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप हाथ पैर कमर दर्द या फिर आपके जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो मैं आपके लिए एक ऐसा ऑयल लेके आई हूँ जिससे अगर आप मालिश करोगे तो आपको एक हफ्ते के अंदर बहुत आराम मिलेगा। तो आज मैं आपको तेल बनाना बताऊँगी, बहुत सिंपल तरीका है ये बना के। अगर आप मालिश करते हैं तो आपके जोड़ों के दर्द, हाथ दर्द या फिर पैर दर्द या फिर कमर दर्द होती है तो उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हमें लेना है एक कढ़ाई। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है या फिर लोहे का बर्तन है तो आप लोहे का लें, अगर नहीं है तो कोई भी ले सकते हो। तो इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है मस्टर्ड ऑयल। आपको यहाँ पर डालना है सरसों का तेल। आपको जितना क्वांटिटी में बनाना है उतना आप डालिए और इसको थोड़ा गर्म होने देना है। उसके बाद मैंने लिया है लहसुन की कलियाँ। मैंने यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसमें तेल गर्म होने के बाद इसमें ऐड कर देना है। ध्यान रखिए दोस्तों, जब इसे ऐड करोगे ना तो गैस को थोड़ा लो फ्लेम पर रखिए, नहीं तो ये लहसुन जल जाएगा। और अगर ये धीरे धीरे इसमें जलेगा तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ तेल में अच्छे से मिक्स हो पाएंगी, तो आपको फ्लेम धीरे रखना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है अजवाइन। दोस्तों, इसमें अजवाइन आपको 1/2 टेबल स्पून के लगभग आपको ऐड करनी है। अजवाइन और लहसुन दोनों गर्म प्रकृति के होते हैं दोस्तों, तो ये दोनों आपके जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और हाथ दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से कर लेना है तेल में। अच्छे से जब मिक्स हो जाएँ, ये थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएँ, उसके बाद हमें कर देनी है गैस बंद। उसके बाद आपको इस कटोरी में ठंडा करके छान लेना है। अब इस तेल से अगर आप रेगुलर मालिश करते हो अपने हाथ पैर जोड़ों के दर्द में तो आपको दोस्तों यकीन मानो ये बहुत कारगर है, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। पर दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें, जिनको जोड़ों का दर्द है उन्हें ठंडी चीज़ें या फिर बादी चीज़ों से परहेज करनी चाहिए, उससे उन्हें आराम रहेगा। और इस तेल की मालिश करें रेगुलर तो उनके दर्द में बहुत आराम रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।